वेलकम टू न्यू आवर ब्रेन। आज हम देखते हैं कि हम स्विफ्ट में टपल कैसे क्रिएट कर सकते हैं। सो डोंट विदाउट वेस्टिंग टाइम शुरू करते हैं। पहले हम एक डेमो प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे। सिंगल एप्लीकेशन यहाँ हमारा बेसिक सेटअप कंप्लीट हो गया। फिर व्यू कंट्रोलर में जाते हैं। पहले तो जैसे एरे और डिक्शनरी, एरे है डिक्शनरी है डेटा स्टोर करने के लिए, उसी तरह हम टपल में भी डेटा स्टोर कर सकते हैं। और इसके लिए फर्स्ट हम क्रिएट करते हैं टपल क्रिएट करने के लिए स्मॉल ब्रैकेट, फिर नेम। ये आइडेंटिफायर होता है जिससे हम डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। फिर हमें डिफाइन करनी है डेटा टाइप। यहाँ हम किसी भी टाइप के डेटा ले सकते हैं। नेम, मार्क, इसको हम रखते हैं इंटीजर, ठीक है। ये यहाँ हमारा टपल डिफाइन हो गया। इस टपल में दो वेरिएबल है, एक है नेम जो स्ट्रिंग टाइप का होगा, एक है मार्क जो इंटीजर टाइप का होगा। यहाँ हम डेटा असाइन करते हैं नेम, जिसमें हम जो असाइन कर सकते हैं, और मार्क। यहाँ हमने एक टपल क्रिएट कर दिया जिसमें दो, इसमें कोई लिमिटेशन नहीं है, आप जितने चाहे उतने वेरिएबल यहाँ ले सकते हैं। फिर यहाँ हम उसको प्रिंट करते हैं। टपल की एक बेनिफिट कहे तो जितने भी वेरिएबल हमने ये डिफाइन किए उससे हम डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं। जैसे कि डेटा डॉट दो, यहाँ हमने दो वेरिएबल लिए थे नेम और मार्क, वो डायरेक्टली सजेशन बुक में हमें दिख जाएंगे। सो नेम, डिक्शनरी में क्या होता है कि हमें जितने भी डेटा डिक्शनरी में स्टोर किए होते हैं उस सब की की हमें याद रखनी पड़ती है, लेकिन टप्पल में ऐसा नहीं होता। यहाँ हम डायरेक्टली उसको एक्सेस कर सकते हैं। और यहाँ प्रिंट करते हैं TPL डेटा डॉट मार्क, इसको हम रन करके चेक करते हैं। It will take less than 2 minutes.
देखिए, जो दो वेरिएबल टपल के हमने प्रिंट किए थे यहाँ डिस्प्ले हो गए। इसी तरह हम यहाँ मैंने नेम स्ट्रिंग टाइप और मार्क इंटीजर टाइप लिए। वैसे हम कोई भी टाइप के वेरिएबल यहाँ डिफाइन कर सकते हैं, जैसे कि बूल, फ्लोट, एनीथिंग विच यू वांट। सो दैट वाज द बेसिक डिस्क्रिप्शन ऑफ टपल। आगे डिटेल में टपल डिक्शनरी और एरे के हम ऐसे भी वीडियो बनाते रहेंगे। सो देखने के लिए हमारे साथ युवा ब्रेन में कनेक्टेड रहिए। लाइक और शेयर कीजिए इस वीडियो को। थैंक यू सो मच।